चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फंडिंग नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही, सियासी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करें। मरासले से पहले फ़ोन पर धमकियां, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि धमकियां में इस मरासले से पहले एक टेलीफोन भी आया था कि इमरान खान को कहें रूस का दौरा ना करें। अमेरिका को समझाया कि इमरान खान दौरे से यूक्रेन का कोई ताल्लुक नहीं। नए वज़ीर आला का इंतखाब खटाई में पड़ गया, पंजाब असम्बली का अजलास मौखर। नए कायदे ऐवान के लिए कल होने वाला असम्बली अजलास 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐवान सदर का इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात कराने के लिए खत, कौमी असम्बली तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख देने का कहा गया है। अपोजिशन का निगरा वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। आप तो कराए के सहाफ़ी हैं, मुझे पता है आपको कहाँ से पैसे मिलते हैं। फवाद चौधरी का सहाफ़ी के सवाल पर गलत ज़बान का इस्तेमाल, सहाफ़ियों का बायकॉट। सहाफ़ियों से तलख कलामी पर सदर मुमलिकत के बेटे का बयान सामने आ गया। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑलस्टेट। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिल एतमाद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि आज बहुत अहम केस है, सुन रहे हैं, कोशिश है कि मुकदमे को निपटाया जाए। अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही, यकतरफा फैसला कैसे दे सकते हैं, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ाम हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हकायक सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नजीर तारर रोस्ट्रम पर आ गए और अदालत को बताया कि डिप्टी स्पीकर ने आज शाम को इजलास बुलाया था, लाहौर में हालात कशीदा हैं। असेंबली का अमला डिप्टी स्पीकर का हुक्म नहीं मान रहा, लगता है आज भी वजीर आला का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने एक इकदाम किया है, बुनियादी चीज़ यानी हकायक पर आए, फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है,
जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। वकील बाबर ऐवान ने कहा कि मीटिंग होती है और उसका साइफर आता है 7 मार्च को पाकिस्तान में। मीटिंग में डिप्टी हेड ऑफ मिशन डिफेंस अताशी समेत 3 डिप्लोमेट्स शामिल थे। डी साइफर करने पर पता चलता है कि इसमें 4 चीजें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल खत नहीं मांग रहे। अदालत ने बाबर ऐवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि इन कैमरा समाप्त करें। वकील बाबर ऐवान ने कहा कि मरासले में 4 चीजें सामने आईं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज्यादा तफसीलात नहीं दे सकता। फॉरन ऑफिस ने मरासला देखकर वजीर आजम और वजीर खारजा के साथ मीटिंग की। काबीना की मीटिंग में मुतालिका डीजी ने मरासले पर ब्रीफिंग दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश है कि रोजमर्रा का काम मुतासिर ना हो। कोशिश करते हैं कल 9:30 बजे समाअत शुरू करें। केस निपटाने के लिए कल सुबह से समाअत शुरू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान के दौरे रूस में अस्करी क्यादत की मशावरत थी। अस्करी क्यादत की रजामंदी से ही इमरान खान रूस गए। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान के दौरे रूस में अस्करी क्यादत की मशावरत थी। अस्करी क्यादत की रजामंदी से ही इमरान खान रूस गए। हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की कोशिश की गई है। अदम एतमाद अभी पेश ही नहीं हुई थी, उन्हें कैसे मालूम था? ये भी कहा गया कि आइंदा हुकूमत पर नए ताल्लुकात मुनहसर होंगे। इसका मतलब अदम एतमाद की तमाम प्लानिंग का उस मुल्क को पता था। उन्होंने कहा कि मरासला हकीकत पर मबनी है, जाली नहीं। जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं। वजारत खारजा के लोग मनघड़त काम नहीं करेंगे। हमारे सफीर पर भी मनघड़त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सफीर को फिलफॉर बर्सल्स भेजने की बात इंतहाई नामुनासिब है। सफीर को बर्सल्स भेजना मामूल का तबादला था, मामले से जोड़ना दुरुस्त नहीं। डिप्टी स्पीकर ने 16 अप्रैल तक पंजाब असम्बली का अजलास मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल 3 अप्रैल को असम्बली में हंगामा राय के बाइस पंजाब असम्बली का अजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट ने बताया है कि अब ये इजलास 6 के बजाय 16 अप्रैल को होगा। डिप्टी स्पीकर ने 16 अप्रैल तक पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल 3 अप्रैल को असेंबली में हंगामा आरआई के बाइस पंजाब असेंबली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था। नए वजीर आला के इंतखाब के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद 3 ऑप्शन पर गौर कर रही है। उन ऑप्शन में एक ऑप्शन असेंबली का इजलास मुलतवी करना भी है। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के निकात के हवाले से ख़त लिखकर असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की तारीख पूछी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से ख़त लिखकर असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की तारीख पूछी गई है। ख़त में आइन के आर्टिकल 48(5)(a) आर्टिकल 224(2) का हवाला देते हुए कहा गया है कि सदर मुमलिकत आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मशावरत जरूरी है। निगरान वजीर आजम के लिए ओपोजिशन की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी जेर गौर है। ओपोजिशन को खदशा है कि ओपोजिशन की जानिब से नाम न आने की सूरत में हुकूमत यकतरफा फैसला कर सकती है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल सुनते ही आग बगुला हो गए। सहाफ़ी पर इल्ज़ामात और गालम गलोच भी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद उमर, अली मोहम्मद खान और शहबाज गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर इत्तला फवाद चौधरी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि पंजाब में फराह खान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने करप्शन की और अपने खावंद समेत मुल्क से फरार हो गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल सुनते ही फवाद चौधरी आग बगोला हो गए और सवाल के जवाब में सहाफ़ी को ही कह दिया कि आप तो किराए के टट्टू हैं, मुझे पता है आपको कहां से पैसे मिलते हैं। फवाद चौधरी ने गालियां भी दी। सवाल का जवाब ना देने और सहाफ़ी पर इल्जामात और गालम गलोच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आए तमाम सहाफ़ी मुश्तैल हो गए और उन्होंने फवाद चौधरी से माफ़ी का मुतालबा शुरू कर दिया। ताहम फवाद चौधरी ने कहा कि मैं क्यों और किस से माफ़ी मांगूँ। मामले की संगीनी देखते हुए तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने सहाफ़ियों को समझाने की कोशिश की। ताहम उसी दौरान फवाद चौधरी ने कहा, मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैं बात करूंगा और सब सुनेंगे। जिस पर सहाफ़ियों ने डाइस पर बड़े तमाम माइक नीचे गिरा दिए और कहा
कि जब तक आप सहाफ़ी पर इल्ज़ामात की माफ़ी नहीं मांगते आप बात नहीं कर सकते, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर चले गए। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट और फैक्ट्स जो है वो हमने दिया है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत के बेटे अवाब अलवी ने फवाद चौधरी की सहाफियों से तख्त कलामी के मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि मतीउल्लाह जान सहाफत की नफरत अंगेज सतह पर दिखाई दे रहे हैं, मेरा अंदाजा है कि उनका गुस्सा उनकी सहाफत पर गालिब आ चुका है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। एमन मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राना टेक टीवी पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।